हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टाइल एंड स्ट्राइक। एंड सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब हुई पड़ी है क्योंकि मुझे बहुत ही सीवियर थ्रोट पेन है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 स्टेप स्किन वाइटनिंग, और इसमें आप 2 प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई लोग होते हैं ग्लूटाथायोन, जो मैंने वीडियो पहले भी किया है, ग्लूटाथायोन जो ड्रिंक आती हैं वो पीने पे उनको डर लगता है कि कहीं उन्हें कोई रिएक्शन ना हो जाए, कुछ एलर्जिक हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आप वो ड्रिंक्स नहीं पीना चाहते हैं, आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें ग्लूटाथायोन है। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको यूज़ करना है ये कोजी केयर स्किन वाइटनिंग सोप, और ये एंटी एजिंग सोप है। ये बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सनस्क्रीन प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अंदर है कोजिक एसिड जो कि स्किन लाइटनिंग का बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, और इसके अंदर ग्लूटाथायोन भी है जो कि आपको पता ही है कि आपके जो स्किन टोन होता है उसको लाइटर करता है, और इसके अंदर वाइटामिन सी एंड ई भी है जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये जो स्किन वाइटनिंग सोप है ये आपको मिल जाता है बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये 4 का पैक लिया था तो मुझे काफ़ी ये सस्ता पड़ गया, तो आप ले सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो सोप है ये आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सोप को मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये पैकेज में आता है इस तरह के, और मैंने अभी ये ओपन कर दिया आपके आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इस तरह का सोप है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी रिफ्रेशिंग है जब आप इसे यूज़ करते हैं, तो लेदर भी अच्छे से बनती है और काफ़ी अच्छे से जो स्किन है वो साफ हो जाती है। बहुत ही अच्छे से ये स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन सी और ई है जो कि बहुत ही अच्छा है। वाइटामिन सी आपके स्किन को एक ब्राइट इफेक्ट देता है, वाइटामिन ई से आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप है ये आपको सोप यूज़ करना है अपनी स्किन पे, अपने फेस पे भी मैं आजकल इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है ये और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऑल स्किन टाइप्स है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, और इसके अंदर ग्लूटाथायोन और कोजिक एसिड है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और नेक्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप जो कि आपको यूज़ करना है इसके बाद, वो है ये कोजिक केयर स्किन वाइटनिंग सीरम। सो स्किन वाइटनिंग सीरम है ये कोजिक केयर का, और इसके अंदर भी कोजिक एसिड है, आर्बुटिन है और ग्लूटाथायोन है। ये भी आपके जो स्किन है उसको लाइटर करता है, और आपके स्किन से जो भी एक्स्ट्रा सीबम है मेलानिन की प्रोडक्शन को ये कम करता है, ताकि आपके जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा यंग लगे और बहुत ही लाइटर लगे। और ये आपके स्किन से स्पोर्ट्स को भी ख़त्म करता है, स्किन शेड को लाइटन करता है और बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से आपको लगाना है अपनी स्किन। सो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, आपको ड्रॉपर मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से आप सीरम को लगा सकते हैं। और ये देखिए येलो कलर का ये सीरम है, और इस तरह से आप अपने फेस पे लगा सकते हैं जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद आपको सिर्फ डैब डैब करना है अपनी स्किन में, बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा लुक देगा, एक ग्लो देगा। इस सीरम में भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर कोजिक एसिड, अभी मैंने बताया कि कोजिक एसिड काफ़ी अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, ग्लिसरीन है इसमें, ग्लाइकॉल है, ग्लूटाथायोन है, और बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। आपको क्या करना है, अपने साफ फेस पे ये 1 or 2 drops लेनी है इसकी, और उसके बाद अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करना है जब तक स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये आप डे और नाइट में लगा सकते हैं, और इस प्रोसेस को आप डे और नाइट में फॉलो कर सकते हैं। आप इससे वॉश कीजिए और इस सीरम को लगाइए और आपका डे रूटीन कंप्लीट है। इसके बाद अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो इस सीरम के बाद मेकअप भी बहुत ही अच्छे से होता है। अभी आप देख रहे हैं जो मैंने मेकअप किया है, सबसे पहले मैंने इस सीरम को ही यूज़ किया था। ये आपके पोर्स को भी बंद करता है, ओपन पोर्स हैं अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये उसे ख़त्म करता है बहुत ही अच्छे से, आपके जो भी ब्लिमिशेस, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन है उसको भी ख़त्म करता है। अगर आपकी स्किन सन से डैमेज हो चुकी है तब भी ये इसे ठीक करता है, और आपकी जो स्किन है उसको एक बहुत ही ब्राइट टेक्सचर देता है, क्योंकि स्किन लाइटनिंग सीरम है तो आपके स्किन का जो कलर है उसे भी लाइट करता है। अब आप कहेंगे कि मैं स्किन लाइटनिंग को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फेयरर स्किन हो या फिर डार्कर स्किन हो दोनों ही बहुत अच्छी होती है, स्किन जो है ग्लो करनी चाहिए, तो ये सीरम वही करता है।
और आपका जो नेचुरल कलर है उसे लेके आता है वापस, और माने ना माने ये स्किन को लाइट करता है। आप इसे यूज करके देख सकते हैं, मैं इसे यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा लग रहा है और ये ऑल स्किन टाइप से कोई भी इसे यूज कर सकता है। अगर आपको इसे परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस सीरम को अपने नाइट सीरम की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज कर सकते हैं और इसे लगा के आप सो सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपनी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ लगेगी। और ये फॉलो कीजिए दोनों स्टेप्स तो आपके स्किन में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट होंगी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आई होगी। सो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।